делаешь, Дина? तूफान ने कितना गुस्सा करीब काफ़ी तेज तूफान और बारिश आया जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से ये सीट था और काफ़ी इधर उधर पेड़ पौधा गिरा, तारों भी जो इलेक्ट्रिक तार है लोकल वो भी सब गिर उठ गया है। भयंकर भयंकर मतलब स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, 100 से ज़्यादा था स्पीड। लोग तो कहीं ना कहीं छुप गए थे, लेकिन उस समय कहीं तो हम लोग के नज़र में कहीं कुछ क्षति नहीं महसूस हुआ, नहीं पता चला कि कहीं आसपास किसी को इंजरी हुआ हो। बस वही किसी का सीट, किसी का घर, किसी का कंटेनर, यही सब डैमेज हुआ है। तूफान ने करीब काफ़ी तेज तूफान और बारिश आया जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से ये सीट था और काफ़ी इधर उधर पेड़ पौधा गिरा, तारों भी जो इलेक्ट्रिक तार है लोकल वो भी सब गिर उठ गया है। भयंकर भयंकर मतलब स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, 100 से ज़्यादा था स्पीड। लोग तो कहीं ना कहीं छुप गए थे, लेकिन उस समय कहीं तो हम लोग के नज़र में कहीं कुछ क्षति नहीं महसूस हुआ, नहीं पता चला कि कहीं आसपास किसी को इंजरी हुआ हो। बस वही किसी का सीट, किसी का घर, किसी का कंटेनर, यही सब डैमेज हुआ है। तूफान ने कितना गुस्सा करीब काफ़ी तेज तूफान और बारिश आया जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से ये सीट था और काफ़ी इधर उधर पेड़ पौधा गिरा, तारों भी जो इलेक्ट्रिक तार है लोकल वो भी सब गिर उठ गया है। भयंकर भयंकर मतलब स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, 100 से ज़्यादा था स्पीड। लोग तो कहीं ना कहीं छुप गए थे, लेकिन उस समय कहीं तो हम लोग के नज़र में कहीं कुछ क्षति नहीं महसूस हुआ, नहीं पता चला कि कहीं आसपास किसी को इंजरी हुआ हो। बस वही किसी का सीट, किसी का घर, किसी का कंटेनर, यही सब डैमेज हुआ है।